हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से चैप्टर 3rd पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये इस चैप्टर की हमारी 3rd वीडियो है और टॉपिक आता है हमारा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा और वह सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, बताना है। कंसिस्टेंट मीन सिस्टम का या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर उसका सिस्टम का कोई ना कोई सॉल्यूशन है, बेशक मैनी सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन हो, तो हम कहेंगे सिस्टम हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर हमारा सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम कहेंगे सिस्टम हमारा क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो कैसे करना है, एक्सरसाइज 3.2 में ऐसे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है हमारा कंडीशन कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं दैट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से इक्वेशन फर्स्ट एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से इक्वेशन सेकंड। हमने माने हमारे पास इक्वेशन है इस फॉर्म की है, a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0 सेकंड, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो गिवन इक्वेशन की कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड सिस्टम से करेंगे और कंपेयर करने के बाद हम फाइंड आउट कर लें a1 की वैल्यू, जो भी हमारा फर्स्ट इक्वेशन से कोफिशिएंट ऑफ x होगा, b1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से कोफिशिएंट ऑफ y एंड c1 फर्स्ट इक्वेशन से कोफिशिएंट। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन से a2 b2 एंड c2 को हम फाइंड आउट कर लें, उनकी फिर हम रेशो निकाल लें, दैट इज a1 upon a2, b1 upon b2 एंड c1 upon c2 फाइंड आउट कर लें। फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास कुछ केसेस बनेंगे, लाइक फर्स्ट केसेस इफ a1 upon a2 डज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। गिवन सिस्टम से हमने a1, a2, b1, b2, c1, c2 इनकी रेशो निकाल ली। फर्स्ट केस, यदि हमारा a1 upon a2 बराबर हो b1 upon b2 के, a1 upon a2 बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, तब हमारे पास सिस्टम कैसा होगा। फर्स्ट हम कहेंगे सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सेकंड, इस सिस्टम का एक अपना यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा और इस सिस्टम के लिए हम ग्राफ पेपर पर लाइन ड्रा करें तो वे लाइन हमारी एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट।
फर्स्ट केस में यदि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो तीन कंडीशन तीन इसकी प्रॉपर्टी आ गई, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम का एक यूनिक सोल्यूशन होगा और इसकी जो लाइन होगी वे एक दूसरे को एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। के सेकंड, इफ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तीनों रेशो हमारी बराबर आ जाए तब सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, थर्ड लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैप, वे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। यानी कि फर्स्ट लाइन का सपोज हमने ग्राफ ड्रा किया और वह लाइन हमारी सपोज ये आ गई लाइन एल वन, सेकेंड लाइन का जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे वह भी हमारे पॉइंट जब उनको मिलाएंगे लाइन जब हम ड्रा करेंगे तो वह लाइन भी इसी लाइन के ऊपर से होकर के जाएगी, इसे कहते हैं ओवरलैप करना कोइंसिडेंट। यानी कि लाइन फर्स्ट में हमारी यही है और लाइन सेकेंड में हमारी यही है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा जब तीनों बराबर होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे और जो लाइंस होंगी हमारी कोइंसिडेंट या फिर ओवरलैप करेगी। फर्स्ट केस में क्या था, लाइन हमारी एक दूसरे को एक यूनिक पॉइंट पर, सपोज ये लाइन फर्स्ट है और एक हम लाइन सेकंड ड्रा करें, सपोज ये लाइन सेकंड आ गई तो एक यूनिक पॉइंट पर हम इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यही इसका हमारा सोल्यूशन होगा। यहाँ सोल्यूशन जो भी पॉइंट हमारे इन लाइन पर लाई करेंगे वही हमारे सोल्यूशन होंगे। अब ऐसे कितने पॉइंट होंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो सिस्टम हमारा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन रखेगा। थर्ड केस है, इफ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, पहले दो रेशो हमारी बराबर है और थर्ड रेशो हमारी बराबर नहीं है, तब सिस्टम कहेंगे सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सेकेंड नो सोल्यूशन, सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, थर्ड लाइंस आर पैरल, लाइन जो है एक दूसरे के पैरल होंगी। जब इस सिस्टम का हम ग्राफ ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सपोज ये लाइन हमारी फर्स्ट आ गई लाइन फर्स्ट, सेकेंड लाइन जब ड्रा करेंगे तो वह लाइन फर्स्ट लाइन के पैरेलल आएगी, ये लाइन हमारी सेकंड, तो ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो यहाँ कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा और लाइन्स हमारी कैसे आएंगी पैरेलल आएंगी। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन फर्स्ट का है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकल। क्या कहा, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लैंग्वेज का क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में
कुछ पॉइंट्स देखे थे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पहले एल्जेब्रिक इक्वेशन बना लेंगे, फिर उनका हम ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये एक्सरसाइज 3.1 में सिखा दिया। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। कक्षा 10 में 10 बच्चे हैं, उन्हें किसी मैथ क्विज में हिस्सा लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कियों की संख्या है वहां लड़कों से 4 ज्यादा है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, 4 अधिक है किससे, द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज से नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालने लिए है। Who took part in the quiz? जिन्होंने इस क्विज में हिस्सा लिया है। मान लेते हैं let the number of girls be x, let the number of girls be x and the number of boys be y. Then तब फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वहाँ टोटल स्टूडेंट 10 है, स्टार्टिंग होगा 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10, दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 10, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट कंडीशन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 10, से इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लिख लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज की रिलेशन है, और कहा लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा, ये 4 ज्यादा है, या तो 4 यहां से घटा दें या फिर नंबर ऑफ बॉयज में भी 4 ऐड कर दें, तो दोनों हमारी क्या बन जाएगी, इक्वल बन जाएगी। तो यहां मैं 4 ऐड कर दूं तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज हमारे सेम आ गए। कहा था नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज 4 ये ज्यादा है, तो 4 ये ज्यादा है, 4 यहाँ कम करें या इधर हम 4 ऐड कर दें, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो बन जाएगी नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज वाई प्लस 4। कर लेते हैं ट्रांसपोजिशन, एक्स माइनस y इक्वल टू 4 से इक्वेशन सेकंड। ये हमने पहले एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कर लिया, अब ग्राफिकली करना है। ग्राफिकली करने के बाद ये हमारी कंडीशन आएगी, हो सकता है कि इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट करेंगे तो एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, हो सकता है ओवरलैप करें कोइंसिडेंट करें तो मैनी सोल्यूशन होगा, हो सकता है इनका ग्राफ जो हमारा पैरेलल आए पैरेलल आएगा तो हम कहेंगे इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो अब करना है ना ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वैल्यू पुट कर लेते हैं, या डायरेक्ट हम सॉल्यूशन टेबल बना लें। देयरफॉर सॉल्यूशन टेबल इज क्या है, हमारी सॉल्यूशन टेबल यानी कि x की डिफरेंट वैल्यू रख करके y की डिफरेंट वैल्यू निकाल लेंगे, कम से कम 2 सॉल्यूशन ले लेने हैं, कुछ भी रखिए, x को मैंने 5 रखा, y भी मेरा 5 आ गया, फिर x को मैं 3 रखूं, y मेरा 7 आ गया, x को मैं 4 रखूं, y मेरा 6 आ गया। आसान सा इक्वेशन 4 इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4,
यहाँ भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन टेबल इज, सॉल्यूशन टेबल हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ भी x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, y की निकाल लेंगे, एक्स वाई, एक्स मैंने रखा सपोज जीरो, एक्स जीरो रखेंगे तो y इक्वल टू कितना है माइनस फोर। ऐसे ही x इक्वल टू अगर मैं लिख दूं, x इक्वल टू अगर फोर लिख दूं तो y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा जीरो। x इक्वल टू सपोज मैंने लिख दिया टू, तो टू माइनस वाई इज इक्वल टू फोर कितना आएगा, इक्वल टू आएगा माइनस टू। यस सर, तो इस तरह से हमने क्या क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड से सॉल्यूशन निकाल ली। अब इनका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। क्वेश्चन कौन सा है डालेंगे, तो क्वेश्चन फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है और है क्या ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकली सॉल्यूशन सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 की तरह से y एक्सिस x एक्सिस ड्रा कर लें। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी होती है x एक्सिस, वर्टिकल लाइन हमारी होती है y एक्सिस, इंटरसेक्ट पॉइंट ओरिजिन जिसको हम O लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट नोट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, 5x इक्वल टू 5 पर y 5, x इक्वल टू 5 पर y 5, x 5 1 2 3 4 5, y 5 चलेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये आ गया मेरा 5.5। सेकेंड 3.7, 1 2 3 7 चलेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फोर सिक्स हमारा ये आ गया। अब इस इन पॉइंट को जॉइन करते हुए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन की लाइन ड्रा कर लेंगे। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बात लिखेंगे हमारी इक्वेशन क्या है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट प्लॉट करते हैं, 0 पर माइनस फोर, एक्स इक्वल टू 0 पर माइनस फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, यह आ गया 0 पर माइनस फोर। फिर 4 पर 0, 1 2 3 4, 4 पर 0। थर्ड पॉइंट था हमारा 2 पर माइनस टू, 2 पर माइनस टू माइनस वन माइनस टू। इन पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट ड्रा कर दें, एक लाइन ड्रा करें जहाँ ये लाइन आएगी, ये हमारा जाएगी सेकेंड लाइन का, सेकंड इक्वेशन की ग्राफिक रिप्रेजेंट। अब यहाँ लिख देते हैं, ये हमारी एक लाइन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यह सेकंड थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये एक दूसरे को एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस यूनिक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारा ये आ गया, और x कोऑर्डिनेट हमारा x की वैल्यू आएगी। ऐसे इसका y कोऑर्डिनेट हमारा x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करके ये y कोऑर्डिनेट आ गया। x हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6 7, x इज इक्वल टू 7, y कितना है
1, 2, 3 y इज इक्वल टू 3, कोऑर्डिनेट आ गए 7, 3 और सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3। x मीन नंबर ऑफ गर्ल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितना 3। ये हमारा आ गया आंसर जो हमने ग्राफिकली किया है। सॉल्यूशन निकालने के बाद ग्राफ प्लॉट कर लिए और ग्राफ प्लॉट करके हमने देख लिया जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट था वही हमारा सॉल्यूशन देगा। थोड़ा लाइन से लिखते हैं, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस लाइंस intersect each other at the point हमारे क्या थे 7, 3। therefore number of girls is equal to 7 and number of boys equal to 3। ये हमारा आंसर। ऐसे ही सेकंड कंडीशन सेकंड पार्ट रीड करता हूँ। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट 5.50। 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत एक साथ 50 है। Where 7 pencil and 5 pencil to the cost rupees 46, find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। एक पेंसिल और एक पेन की कीमत बतानी है। इससे पहले हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, फिर ग्राफिकली करेंगे, ग्राफ से हम रीड करेंगे कि यूनिक हमारे सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कर लेंगे डू योरसेल्फ ऐसे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 में कराई है। अब मैं क्वेश्चन सेकंड रीड करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑन एनकाउंटरिंग द रेशियो a1:a2 एंड b1:b2 एंड c1:c2 फाइंड आउट द वेदर द लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं उनको बताना है इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। और लिख भी दिया यहाँ कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1:a2 b1:b2 c1:c2। मैं भी कहता तो मेथड था जब कंसिस्टेंट या फिर यूनिक सॉल्यूशन या फिर इंटरसेक्ट कोइंसिडेंट और पैरेलल प्रूव करना हो तो हम क्या करेंगे a1:a2 b1:b2 c1:c2 फाइंड आउट करेंगे। तो वही करते हैं, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज फर्स्ट पार्ट 5x-4y+8=0 एंड सेकेंड पार्ट सेकेंड इक्वेशन 7x+6y-9=0। बताया था ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड हमारी क्या a1x b1y+c1=0 एंड a2x
b2y plus a2 equal to 0. Therefore, a1, first equation में a1, b1, c1, second equation में a2, b2, c2. तो a1 हमारा कितना आ गया, a1 is equal to 5, b1 is equal to minus 4, and c1 is equal to minus 8, and a2 is equal to second equation से 7, b2 is equal to plus 6 with sign बोलना है, and c2 is equal to minus 9. यहाँ की रेशो निकाल लेंगे, therefore a1 upon a2 is equal to direct 5/7. इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हो. b1 upon b2 कितना हो गया, minus 4/6, 2 से कैंसिल है, minus 2/3, and c1 upon c2 is equal to minus से minus कैंसिल, 8/9. देखते हैं a1 upon a2 5/7, b1 upon b2 minus 2/3. अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसको हम रीड ही ना करेंगे, इसको हम रीड ही नहीं करेंगे. ये अगर इक्वल थे तो हम इसको चेक करेंगे, ये इक्वल है कि डज नॉट इक्वल है. जब फर्स्ट हमारे टू रेशो इक्वल नहीं है तो यूनिक सोर्स है. देयरफॉर ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू. ए वन अपॉन ए टू ही बी वन अपॉन बी टू के बराबर नहीं है तो हम थर्ड को चेक ही नहीं करेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन आ गई, इफ ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो लाइन्स इंटरसेक्ट्स इज अदर एट वन पॉइंट. ये इसने कहा था, बताना था कि लाइन हमारी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी. हेंस लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए यूनिक पॉइंट या एट ए पॉइंट के अलावा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे. ऐसे मुझे थर्ड और सेकंड थर्ड पार्ट कर लेना है. क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड कहते हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ अपॉन ए2 गिवन अपॉन बी2 एंड सी1 अपॉन सी2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. सेम मेथड सेम क्वेश्चन. इसी के बाद अगर हम करते हैं तो ए1 अपॉन ए2 डज नॉट इक्वल टू बी1 अपॉन बी2, तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट. तो सेम क्वेश्चन है, पहले हम सिस्टम को कॉपी करेंगे, कंपेयर करके ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू निकाल लेंगे, रेशो निकाल लेंगे. रेशो जो आएगी उसके अकॉर्डिंग अगर वे पहले दो रेशो बराबर नहीं आए तो कंसिस्टेंट, तीनों अगर बराबर आ गए तो भी कंसिस्टेंट, और अगर मेरा पहली रेशो बराबर है, थर्ड रेशो सी वन अपॉन सी टू बराबर नहीं है तो कहेंगे इनकंसिस्टेंट. हम थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट. सेम थर्ड क्वेश्चन जैसा है, और फिर सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली. हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया यानी फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन फोर करेंगे, डू योर सेल्फ. क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ लैंग्वेज क्या है, मैं इसी इक्वेशन बना देता हूँ. फिफ्थ में क्या कहा, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वेथ. इसने कहा एक हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका जो हाफ ऑफ पैरामीटर है, हाफ का पैरामीटर है वो, लेकिन किसके लिए, उस गार्डन के लिए जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन, 4 मीटर अधिक है किससे, इसकी विड्थ से, और वो हाफ ऑफ पैरामीटर कितना है, इज 36. तो यहाँ एक कंडीशन तो दे दी हमारी लेंथ और विड्थ में, लेंथ जो है विड्थ से 4 ज़्यादा है, और एक कंडीशन दे दी हमारी हाफ द पैरामीटर, हाफ द पैरामीटर कितना दिया, 36 दिया. तो दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखेंगे, लेट द लेंथ
ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन या फिर ऑफ द गार्डन बी एक्स, यूनिट किस में दी है हमारी, मीटर में दी है तो मीटर हम लिखेंगे, एंड द वेट ऑफ द गार्डन बी वाई मीटर, देन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फर्स्ट कंडीशन हाफ ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू 36, हाफ ऑफ पैरामीटर मीन 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 36 मीटर, हाफ ऑफ द पैरामीटर, हाफ ऑफ द पैरामीटर हमारा किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस वेट इज इक्वल टू 36, 2 से 2 कैंसिल, लेंथ प्लस वेट इज इक्वल टू 36, दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36 से इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स वेट, लेंथ इज इक्वल टू किसके, लेंथ जो है विड्थ से ये 4 ज्यादा है, तो मैं यहाँ 4 ऐड कर दूंगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 से सेकेंड। हमने इसका अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिया, आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे और फिर बताएंगे कि उसकी लेंथ कितनी है और वेट कितनी है, कर लेंगे। सिक्स क्वेश्चन, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस इक्वल टू 0, राइट द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर, सो फॉर फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड पैरेलल लाइन, थर्ड कोइंसिडेंट लाइन। गिवन इक्वेशन हमारी क्या दी है, गिवन इक्वेशन हमारी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन, हमें एक सेकंड इक्वेशन लिखनी है जिसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए सेकंड इक्वेशन हमारी क्या हो सकती है, इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या है, 4 दिस कंडीशन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 मीन फर्स्ट पोजीशन से कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 फर्स्ट इक्वेशन से कोएफिशिएंट ऑफ y, a2 सेकंड इक्वेशन जो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, b2 जो सेकंड इक्वेशन लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y, और ये हमारे बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 2 का मल्टीपल। अगर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ इक्वेशन सपोज मेरी लेफ्ट अंदर लिखे इक्वेशन इज अनदर लीनियर इक्वेशन इज मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ही लिखूं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, a2 मेरा 2 का मल्टीपल नहीं होगा और b2 मेरा 3 का मल्टीपल नहीं होगा, a2 does not equal to multiple of 2 and b2 does not is equal to multiple of 3। या मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो a2 होगा वो मेरा सपोज 3 आ गया और b2 सपोज मेरा मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना है, सपोज मैंने लिख दिया कि वो 4 है। ये हर स्टूडेंट्स का अपना अलग अलग हो सकता है, तो देखते हैं कि a1 upon a2 इज इक्वल टू 2/3 एंड b1 upon b2 इज इक्वल टू 3/4 जो कि हमारे इक्वल
नहीं है, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, बराबर नहीं है, तो इंटरसेक्ट करेंगे। अब ए टू हमारा 3, बी टू हमारा 4, हर स्टूडेंट यहाँ अलग लिख सकता है कि मल्टीपल ऑफ 2 नहीं लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं लिखेंगे, अगर ऐसा कर देंगे तो फिर रेशो हमारी सेम आ जाएगी। देयरफॉर अनदर इक्वेशन हमारी क्या हो सकती है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ 3x प्लस 4y प्लस सी, मैं कुछ भी लिखूं, सी हमने मान लिया एंड सी इज इक्वल टू, वो कोई भी हो सकता है, जब फर्स्ट हमारे इक्वल ले आएंगे तो सी से हमारा कोई मतलब भी नहीं है, मैंने सी को मान लिया, सब वो 7 मान लिया, प्लस 7 इक्वल टू 0। ऐसे इस तरह से ये हर एक स्टूडेंट का आंसर अलग अलग हो सकता है। सेकंड कंडीशन कहता है कि क्वेश्चन हमारी क्या है, पैरेलल है, पैरेलल का मतलब तीनों इक्वल। सेकंड पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, यानी कि इनकी रेशो इक्वल आई तो अनदर लाइन हमारी क्या होगी, अनदर लाइन हमारी ऐसे आएगी क्योंकि जो ए वन हमारा है क्या क्वेश्चन किया, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू के लिए ए वन टू बी वन थ्री सी वन माइनस 8, ए टू मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, बी टू मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, सी टू मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, तो अनदर इक्वेशन होते हैं मल्टीपल, मैं कर लेता 2 का कर लेता हूँ, तो 4x प्लस 6 माइनस 16 इक्वल टू 0। ऐसे ही हर कंडीशन है हमारी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस उसकी कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो बराबर नहीं है वही मल्टीपल नहीं है, तो a1 a2 के बराबर है b1 अपॉन b2 के, तो हमारे मल्टीपल होंगे, ये हमारा मल्टीपल नहीं होगा। तो अनदर लाइन हमारी क्या हो सकती है, मल्टीपल ऑफ मैंने 2 कर लिया प्लस 6y और यहाँ मल्टीपल मैंने 2 लिया है, तो यहाँ 2 नहीं रहेगा, 7 यहाँ 16 था, कुछ भी कर दिया इक्वल टू 0। हर स्टूडेंट की अलग अलग आंसर हो सकते हैं, कोई मल्टीपल ऑफ, मैंने मल्टीपल ऑफ 2 लिया है, यहाँ कोई मल्टीपल ऑफ 3 लेगा, 5 लेगा, जैसे भी लेगा ऐसे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हमारा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ड्रा द ग्राफ ऑफ लाइंस x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय दीज लाइन एंड द x एक्सिस एंड द सेट द ट्रायंगुलर रीजन। क्या कहा है, हमारे पास गिवन लाइंस हैं, उनका हमें ग्राफ ड्रा करना है। फर्स्ट इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 से फर्स्ट, एंड सेकेंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 से सेकेंड। अब ये ग्राफ ड्रा करने के लिए सोल्यूशन टेबल बनाएंगे, फॉर इक्वेशन फर्स्ट मैं डायरेक्ट करता हूँ, सोल्यूशन टेबल हमारी क्या आएगी, सोल्यूशन टेबल पुट x इक्वल टू 102 जैसे भी रखेंगे, तो सोल्यूशन टेबल मेरी फर्स्ट के लिए आ गई, कम से कम 2 सोल्यूशन तो निकाल लेने ही हैं, x y 0 पर 1 x जो रखेंगे y इक्वल टू 1 और माइनस 1 रखेंगे तो 0। फोर इक्वेशन सेकेंड सोल्यूशन टेबल कितना आ गया, सोल्यूशन टेबल हमारी एक्स वाई या एक्स इक्वल टू 0 रखें, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई इक्वल टू आ गया 6 और वाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4। एक्स 0
तो वाई सिक्स, यस सर, वाई जीरो तो एक्स इक्वल टू 4। ये हमारा सॉल्यूशन टेबल आ गया। अब इनका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के बाद फिर बताना है उस ट्रायंगल के वर्टिसेस जो इन लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच बनेगा। एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, वाई एक्सिस, और ये आ गया मेरा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इंटरसेक्ट बाय ओरिजिन, फर्स्ट 0 पर 1, 0 पर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ देखते हैं एक्स इक्वल टू 0 पर वाई 1 है, एक्स इक्वल टू 0 पर वाई हमारा 1 है, फिर एक्स इक्वल टू -1 पर, एक्स इक्वल टू -1 पर वाई हमारा 0 है। तो ये लाइन हमारी आ गई फर्स्ट कंडीशन से जो है, सेकंड 0 पर 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 0 पर 6 और 4 पर 0, 1, 2, 3, 4 पर 0। ये हमारे आगे सेकंड लाइन का, सेकंड इक्वेशन की लाइन। ये हमारी थी फर्स्ट, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये हमारी सेकंड है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये हमारे वर्टेक्स क्या आए थे, एक्स इक्वल टू माइनस 1 पर 0, ये हमारा क्या आ गया 1, 2, 3, 4, 4 पर 0, और ये हमारा वर्टेक्स क्या आ गया, एक्स की वैल्यू यहाँ से, एक्स वैल्यू यहाँ से पढ़ते हैं तो 1, 2, एक्स हमारा 2, और वाई यहाँ से पता करें तो 1, 2, 3। तो इस वर्टेक्स के हमारे कोऑर्डिनेट आ गए -1, 0, सेकंड वर्टेक्स 4, 0, थर्ड वर्टेक्स 2, 3। क्या बताना है, इससे पहले वर्टेक्स बताने हैं और इसको हम सेट भी करना है जो एक्स एक्सिस के साथ है, एक्स एक्सिस के साथ, और इन लाइन को इंटरसेक्ट करने, इन लाइन का इंटरसेक्टिंग और एक्स एक्सिस के बीच जो ट्रायंगल बना इसको सेट करना है और इसके वर्टिसेस बताने हैं। पहले पॉइंट हमारा क्या था, एक्स इक्वल 0 पर 1 ये था, और ये था जी हमारा एक्स इक्वल टू 0 पर 6। ये हमने ट्रायंगल मान लिया ए बी सी, सपोज हमारा ट्रायंगल आ गया जो एक्स एक्सिस और लाइन के बीच बनता है। क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, क्वेश्चन हमारा क्या है 7, और लिख देंगे स्टेटमेंट से आंसर यहाँ देंगे, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व, it can be observed that these lines are intersecting at the point 2, 3 and x-axis at -1, 0 and 4, 0. Therefore, the vertices of the triangle are 2, 3, -1, 0 and 4, 0. इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। थैंक यू।